आईपीएल का पहला सीजन था तो उस वक्त जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स एमर्जिंग कैटेगरीज में लिए गए थे आईपीएल में, तो उस वक्त उनको पैसे नहीं दिए गए थे बल्कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनके जो फिक्स डिपॉजिट थे उसमें पैसे रखवा दिए गए थे। इंडिया पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा, 25 प्रोविंसेस है उनके और हमारे चार है, आबादी उनकी 1 अरब और 25 करोड़ है, हमारी टोटल 24 करोड़ आबादी है। इंडिया हैज अ फैंटास्टिक पेस अटैक यार, आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। उनको ये बात पता होती है कि ये बहुत ही कम पैसों में आके हमारे पास खेल लेंगे, या उसकी वैल्यू इंडियन प्लेयर के मुकाबले कम रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज जानना चाहता हूँ, सॉरी साजिद भाई मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, एक चीज और जानना चाहूंगा इनसे, बल्कि आप भी मुझे बताएं। अब्दुल रऊफ भाई मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, अभी आप एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, कौन सी कंट्री में मौजूद है? जी पाकिस्तान है। बिल्कुल अच्छा, आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि बाहर क्या कॉन्सेप्ट है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर या बच्चा या प्लेयर जब जाया हो जाता है फिर उनको बाहर बुलाया जाता है, तो क्या उनको ये बात पता होती है कि ये बहुत ही कम पैसों में आके हमारे पास खेल लेंगे, या उसकी वैल्यू इंडियन प्लेयर के मुकाबले कम रहती है, कुछ ऐसा दिखता है आपको बाहर? बिल्कुल एग्जैक्टली, जब आप अपने प्लेयर को डिवैल्यू कर देंगे, आप अपनी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक खत्म कर देंगे, तो फिर जो जो दूसरे मालिक है वो डेफिनेट वो फायदा उठाएंगे उस चीज का, और वो बिल्कुल कम पैसों में उनको हायर करना शुरू कर देंगे। जितनी ज्यादा आप उनको ऑब्लाइज करेंगे, जिस तरह इंडिया ने किसी जमाने में इंडियन प्लेयर बहुत ज्यादा इंग्लैंड में जाकर लीग क्रिकेट खेला करते थे, मगर फिर एक टाइम आया उन्होंने अपनी जो सारा सिस्टम था उन्होंने ये नहीं किया। मुझे देखें कि इंडिया पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा, 25 प्रोविंसेस है उनके और हमारे चार है, आबादी उनकी 1 अरब और 25 करोड़ है, हमारी टोटल 24 करोड़ आबादी है, मगर कहीं भी आप मुझे साबित कर रहे कि उन्होंने जब अपना सिस्टम बेहतर किया है जिसमें वो पैसा लाए हैं, जिस फाइनेंशियली उन्होंने प्लेयर्स को स्ट्रांग किया, क्या उन्होंने कोई एक भी टीम या डिपार्टमेंट खत्म किया अपना? आप जवाब बिल्कुल नहीं में होगा। हम कैसे कर सकते हैं कि हम 24 करोड़ की आबादी और हम अपने 12 फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, 20 आप ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट, 12 आप रीजनल टीमें खत्म करके आप 5 टीमों में 24 करोड़ की आबादी को समाना शुरू कर दें? तो ये एक मेरा ख्याल है कि जो जो राइट्स हैं, जो प्लेयर्स के बेसिक राइट्स हैं उनकी, वही मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी बुरी तरह मजरूह होंगे। जब आईपीएल का पहला सीजन था तो उस वक्त जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स एमर्जिंग कैटेगरीज में लिए गए थे आईपीएल में, तो उस वक्त उनको पैसे नहीं दिए गए थे बल्कि उनके पेरेंट्स को बुला के उनके जो फिक्स डिपॉजिट थे उसमें पैसे रखवा दिए गए थे ताकि अभी छोटी उम्र में बच्चों को पैसों की जो है वो लत ना पड़े या पैसों की तरफ उनका रुझान ना हो। आप नहीं समझते कि जो 30,000 रुपये हम दे रहे हैं इससे कहीं ना कहीं जो है वो वाला एक्सपेक्ट सामने आ सकता है? क्रिकेट एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है और ये एक बैट ही कोई आज अगर जो टॉप क्वालिटी का है तो वो 2,00,000 रुपए का है, उसके शूज 8-10,000 के, हेलमेट 25-30,000 रुपए का है। तो मेरा मतलब है कि आपको अपने गेम के ऊपर फोकस करने के लिए सेफ्टी मेजर्स भी लेना बहुत जरूरी है और बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपके पास हो तो ये कि सेफ्टी या लॉन्ग रन के लिए ये बिल्कुल फायदेमंद चीज होती है। और 30,000 रुपीज की अमाउंट एक इनिशिएटिव है, बेसिकली एक एंटाइसिंग चीज है बच्चों के लिए और उससे पैसों की बात नहीं है, लेकिन वो उस तरफ हो सकता है कोई कार्टून या मूवीज या कोई ड्रामा देखने के बजाय क्रिकेट की कोई वीडियोस देखेगा, यार ये कैसे खेल रहा है ताकि मैं भी कुछ अच्छा करूं। इंडिया हैज अ फैंटास्टिक पेस अटैक यार, आई मीन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मैं मतलब देखें हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना तो कहते हैं कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर जो इंडिया ने प्रोड्यूस किया वो मोहम्मद निसार था बैक इन द 30s एंड 40s। उसके बाद अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स इनके पास आए, निसार के बाद भी एक रामाकांत देसाई होता था वो बड़ा अच्छा मतलब वेरी वेरी मतलब गुड बॉलर, कपिल देव, श्रीसांत वगैरह इनके अच्छे बॉलर्स आए, लेकिन कभी भी इंडिया के पास पैक में ऐसे फास्ट बॉलर्स नहीं आए। आई रिमेंबर जब 79-78 में जब पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरह से हराया था इंडिया में, तो गावरी ने, कपिल ने,
मदन लाल वगैरह ने, रॉजर बिनी ने, आई रिमेंबर रॉजर बिनी था, इन्होंने करसन घावरी वगैरह ने हशर कर दिया था पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप का. बट दे हैव नेवर हैड, इंडिया हैज नेवर हैड फास्ट बॉलर्स एंड अटैक जो अब उनके पास है. मतलब ये जो अटैक है, आज आप सोचें कि बुमराह जो था, ही जस्ट बोल्ड अ फ्यू ओवर्स, ही टुक टू विकेट्स एंड आफ्टर दैट उसका एंकल का मसला हुआ, ट्विस्ट हुआ तो वो बाहर चला गया, तो वो अवेलेबल ही नहीं था उसके बाद. उसके बावजूद शामी ने अकेले तन तनहा जो है, और शार्दुल ठाकुर ने दो जो पार्टनरशिप ब्रेक की, दोनों ने मिलकर जो है हशर नशर कर दिया साउथ अफ्रीकन मतलब बैटिंग लाइनअप का.